नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर जनपद औरैया की ग्राम पंचायत हरचंदपुर के मजरा रामगढ़ में ग्राम सभा की भूमि से कब्जा हटवाने के संबंध में तहसील बिधुना एसडीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे सानू चौहान, जिला प्रमुख भाजपा युवा मोर्चा एवं अमित तोमर, सीटू ठाकुर, छोटू तोमर, कुलदीप तोमर, गौरव चौरसिया, हरिओम ठाकुर, मोहित यादव, धराजीत यादव, आकाश शर्मा समेत तमाम ग्रामवासी व भाजपा युवा मोर्चा की टीम एसडीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे। एसडीएम के द्वारा अवैध कब्जा हटाए जाने के आश्वासन मिलने पर भाजपा युवा मोर्चा सानू चौहान ने धरना समाप्त कर दिया। देखिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस की स्पेशल रिपोर्ट। आपकी समस्या ये है, तकरीबन 7 से 8 महीने होने जा रहे हैं भाई, ग्राम पंचायत में एक मजरा है ग्राम पुरवा माधव सिंह, उस गाँव में जो तालाब था पहले मिट्टी से भर दिया जी। मिट्टी से भरने के बाद वहाँ कोई निकासी का दूसरा साधन नहीं है जी। इसमें हम लोगों ने कई बार उसमें एप्लीकेशन दिए और तहसीलदार थे उस टाइम जीतेश वर्मा जी, मौके पे जांच करने के टीम की फरमाइश हुई, उसमें ऑर्डर भी हुए जी, लेकिन आज तक वहाँ पे नाली के लिए सरकारी जमीन खाली नहीं कराई गई। तो कौन कब्जा की है उस जमीन पे? गांव के ही दो लोग हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम सुखराम और एक और हैं जैसे। तो आपने शिकायत अपनी कहाँ दर्ज कराई? शिकायत कई बार हमने एसडीएम साहब को भी दी है, तहसीलदार साहब को। उसमें कौन एसडीएम साहब है इस टाइम? इस टाइम तो निशान तिवारी जी हैं, उस टाइम लवजीत कौर जी थी। तो आज मुलाकात हुई क्या? अभी इस संबंध में हमने एक पूर्व में ज्ञापन दिया था, हमने कहा भी था, आश्वासन ये मिला था कि एक हफ्ते में हम आपका पूरा इंस्टॉल करवा देंगे। तो अभी आप जो धरना दे रही है कौन सी जगह दे रहे हैं? बिधुना तहसील में। बिधुना तहसील में। क्या नाम है आपका, पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम है सानू चौहान, मैं जिला सोध प्रमुख भाजपा युवा मोर्चा का हूँ, निवास मेरा रामगढ़ है। और उसके अलावा एक बंजर और तालाब का नंबर है जिसमें 13/7/2023 को उसको खाली कराने के लिए नोटिस लगाया गया था तहसील के द्वारा, उसको आज तक खाली नहीं कराया गया। चक्रोड के नंबरों में अमाया माफिया भूमाफिया इतने एक्टिव है कि वो प्लाटिंग कर रही है, तहसील प्रशासन को कोई खबर नहीं है, सो रहा है जी। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जितने भी सरकारी नंबर जो ग्राम सभा की भूमि है वो खाली करा दी जाए और उस पे जो भी कब्जे हैं जिसके भी हो, अगर मेरा है तो मेरा खाली हो जाए, किसी अन्य का है तो अन्य का खाली हो जाए, ग्राम सभा की भूमि कब्जे में नहीं रहनी चाहिए। तो क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन अभी कुछ नहीं, माननीय उपजिलाधिकारी महोदय से भी मुलाकात नहीं हुई है, अपने चैम्बर में नायब तहसीलदार साहब से बात हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि एक बार तहसील साहब आए या बात करें हम लोगों से, अपना आश्वासन दें। आश्वासन में हम ये चाहते हैं कि हमें 10 से 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना हमें एक नियत टाइम दें कि हम इतने दिन में वहाँ नाली के लिए वो जगह खाली करा देंगे और जो अन्य कब्जे हैं वो भी हटवा देंगे। अगर नियत समय नहीं मिलता है तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर उसमें भी अगर प्रशासन को कोई दिक्कत है, वो जो चाहे अपना प्रशासन है, जो बल प्रयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं जी। यदि हमें कोई पक्का आश्वासन नहीं मिलता तो मेरा कोई समय नहीं कि मार उठ जाएंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे यहीं बैठेंगे, क्योंकि जनता की समस्याएं हैं, प्रशासन को दिक्कत नहीं है। इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।